जय हिंद। आज का जो टॉपिक है वो रायसीना डायलॉग। हाल ही में 25 से लेकर और 27 जो अप्रैल तक एक 3 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित हुआ है, जिसका उद्घाटन किया प्रधानमंत्री मोदी जी ने। यह 3 दिवसीय कार्यक्रम जिसमें कि 90 देशों के 200 से ज़्यादा वक्ताओं ने, पत्रकारों ने, पूर्व प्रधानमंत्रियों ने, हाई प्रोफाइल जो मंत्री हैं, उन लोगों ने इस आयोजन में शिरकत की। अब इसको कहते हैं रायसीना डायलॉग। तो रायसीना डायलॉग क्यों कहते हैं, क्योंकि जहां पर ये आयोजन हुआ है वह रायसीना पहाड़ी पर स्थित है, तो इसलिए इसको कहते हैं रायसीना, क्योंकि रायसीना पहाड़ी पर स्थित होने के कारण जहां पर आयोजन हुआ है वह है रायसीना हिल्स है, इसलिए इसको रायसीना डायलॉग कहते हैं। इसका आरंभ हुआ था सबसे पहले 2016 में। 2022 में जो हुआ है ये 7वां संस्करण है। इसका आयोजक जो होता है ना वो विदेश मंत्रालय और एक संस्था और है जिसको कहते हैं कि ऑब्जर्वर की रिसर्च फाउंडेशन। तो ऑब्जर्वर जो रिसर्च फाउंडेशन है या एक थिंक टैंक के रूप में काम करता है, भारत सरकार को तमाम मसलों पर से के परामर्श करता है, नीति निर्माण के रूप में कार्य करता है ये भारत के लिए, और विदेश मंत्रालय द्वारा ये दो संस्थाओं द्वारा आयोजित होता है। इसमें सहयोगी कौन कौन थे, 90 देशों के शासनाध्यक्ष और 210 वक्ताओं, पत्रकार, तमाम देशों के पूर्व प्रधानमंत्री, जैसे कि जो स्वीडन के पूर्व प्रधानमंत्री कॉल बेल्ट भी यहाँ पे आए थे, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री थे एंटनी, वो भी आए हुए थे यहाँ पर। तो ऐसे ही तमाम देशों के प्रधानमंत्री जो शासन अध्यक्ष है उन्होंने शिरकत की थी इसे, ठीक है। इसे ये डायलॉग में कहा जाता है कि जो रायसीना डायलॉग है ये संगरीला जो डायलॉग है उसकी तुलना इससे की जाती है। अब प्रश्न ये उठता है कि ये संगरीला डायलॉग क्या है, तो सिंगापुर में 2002 से आरंभ हो रहा है, ठीक है, ये सिंगापुर में होता है। और संगरीला डायलॉग जो होता है उसकी तुलना भारत से के रायसीना जो इससे की जाती है, डायलॉग से की जाती है। रायसीना डायलॉग में किस चीज पर बहस होती है, तो रायसीना जो डायलॉग है इस पर जियोपॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स पर चर्चा होती है। इस बार का जो डायलॉग था ये इसमें 6 प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की गई है। बहुपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की जाती है, चाहे वो दक्षिण चीन सागर का इशू, चाहे वो इंडो पैसिफिक का इशू, चाहे वो हिंद महासागर का इशू हो, चाहे वो सूचना प्रौद्योगिकी का हो, ऊर्जा का हो, सुरक्षा का हो, रक्षा का हो, बहुपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की जाती है। विशेषकर जियोपॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स पर दो मुद्दों पर चर्चा इस पर की जाती है। इस बार की जो थीम थी वो क्या थी कि कैरोनोवा के इंपेशन है और कि इंपेशेंट, और ये इसकी इस बार की क्या थी थीम थी। इसमें जो मुख्य अतिथि कौन था, तो मुख्य अतिथि ईयू की जो चेयरमैन है महिला है, उनका नाम है वॉन डेर लेपन, इन्होंने इसमें मुख्य अतिथि के रूप में अध्यक्षता की थी। इस बार का जो डायलॉग था वो 3 दिवसीय था, ठीक है। तो ये रायसीना, ठीक है, डायलॉग था, और जो कि पहली बार का हुआ था 2016 में, ठीक है। टॉपिक अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अन्य लोगों तक शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद।